दोस्तों क्या फिर से कल का मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट आ सकता है, भयंकर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि उससे बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना है दोस्तों कल मार्केट जो क्लोजिंग दिया है दोस्तों, जिस से मार्केट के अंदर डाउनफॉल आया दोस्तों, अचानक डाउनफॉल आया दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीजन था दोस्तों यूक्रेन और रशिया का दोस्तों जो प्रॉब्लम। दोस्तों यूक्रेन के बात तो छोड़िए, रशिया ने एक बहुत बड़ा धमकी दे चुका है दोस्तों, वह न्यूक्लियर वेपन का, जिसका चलते मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट आया दोस्तों, जिसका इंपैक्ट हम लोग का मार्केट में देखने को मिला दोस्तों। अभी का जो सिचुएशन बिल्डअप हुआ अभी तक दोस्तों, उसका चलते कल का मार्केट के अंदर क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। सबसे पहला बात है दोस्तों एफआईएस और डीआईएस का डाटा हम लोग अगर देखे तो यहाँ पे दोस्तों एफआईएस और डीआईएस का डाटा मेरे पास है, मैं देख लेता हूं एक बार दोस्तों। यहाँ पे डीआईएस ने दोस्तों यहाँ पे जो बाइंग किया दोस्तों, देखिए 13,657 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे बाइक किया है, वहीं पे सेल किया है सिर्फ 10,873 करोड़ के आसपास लगभग दोस्तों। यहाँ पे नेट वैल्यू जो निकल के आ चुका है दोस्तों 2,783 करोड़ का पॉजिटिव है दोस्तों। यहाँ पे आपका डीआईएस का तो पॉजिटिव है, लेकिन एफआईएस के अंदर भयंकर गिरावट आया दोस्तों, एफआई ने यहाँ पे सेल किया बहुत बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे 15,255 करोड़ के आसपास का बाइंग किया, लेकिन वहीं पे 18,666 करोड़ के आसपास का वहाँ पे सेलिंग किया दोस्तों। एफआई का सेलिंग अभी भी दोस्तों है, लेकिन पहले से थोड़ा सा कम हो गया। एक पॉजिटिव बात भी दोस्तों आप लोगों के लिए है, वो है पॉजिटिव बात हम लोगों को बात करें तो ग्लोबल मार्केट का संकेत दोस्तों। अभी तक का जो डाटा मेरे पास है वो यूएस मार्केट में डाउजन फ्यूचर का तो यहाँ पे बात निकल के आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल देते हुए देखने को मिल सकता है। एसपी 500 का दोस्तों ये भी पॉजिटिव है, नैस्डैक भी पॉजिटिव है दोस्तों। यूरोपीय मार्केट का अंदर थोड़ा सा दिक्कत है, एशियन मार्केट का अंदर भी दोस्तों अच्छा खासा दिक्कत है दोस्तों, एशियन मार्केट के अंदर अच्छा खासा दिक्कत, सिर्फ शंघाई दोस्तों पॉजिटिव में आपको देखने को मिला। तो कुल मिला के हम लोग अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट का संकेत है मिला जुला है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यूक्रेन और रशिया का जो न्यूक्लियर वेपन का दोस्तों जो धमकी दिया गया, उसका इम्पैक्ट हम लोगों का मार्केट में आया क्लोजिंग से पहले, उसका इंपैक्ट आपको कल का मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसलिए एक्सपर्ट का कहना है हड़बड़ी करके आप कुछ मत करिए, कल मार्केट के अंदर क्या हो रहा पहले देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। अगर हम लोग लेवल के बारे में बात करें तो फ्रेंड निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया दोस्तों, अच्छा खासा सपोर्ट है वो है दोस्तों आपको 23,350 के आसपास सपोर्ट लिया दोस्तों। और सबसे बड़ा बात है दोस्तों, अगर 23,350 को ब्रेक करेगा तो मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट आ सकता है। सेकंड सपोर्ट क्या होने वाला है 23,100 भी अगर ब्रेक करेगा तो दोस्तों 23,000 तक आ सकता है। दोनों सपोर्ट लेवल आपको माइंड में रखना पड़ेगा। उसका दोस्तों ऊपर में अगर जाएगा तो कितना जा सकता है 23,675 रुपया से दोस्तों 23,775 रुपया तक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिला है ऊपर में। उसके बाद हम लोग अगर बात करें दोस्तों बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का दोस्तों नीचे आपको अगर हम लोग बात करें तो वह दोस्तों पहला होगा 25,100 ब्रेक करने का, 25,900 रुपया तक दोस्तों आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ऊपर लेवल में हम लोग बात करें तो 25,975 रुपया 91,175 रुपया का यहां पर से आपको अच्छा खासा सपोर्ट लेवल देखने को मिला। कुल मिला के हम लोग बात करें तो दोस्तों कल मार्केट खुलने के बाद देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपैक्ट मार्केट के अंदर आता है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। हड़बड़ी मत करिए दोस्तों, अभी तक मार्केट स्टेबल नहीं हुआ है दोस्तों, भयंकर गिरावट कल का मार्केट के अंदर भी आ भी सकता है दोस्तों। अगर यूक्रेन और रशिया के अंदर दोस्तों अगर इस बीच कोई दिक्कत हो जाएगा तो भयंकर गिरावट आ भी सकता है। दोस्तों अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग करना है तो देश का भरोसेमंद ब्रोकर ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंटरनेट फी, वो भी 20 रुपया। तो ज़ीरोधा में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाइए लिंक पर क्लिक करके बिल्कुल फ्री में ज़ीरोधा के अंदर एक डीमैट अकाउंट ओपनिंग करवाएं।